बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीसीसी के नए पदाधिकारियों को जिले आवंटित कर दिए गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी उनको दे दी है और जिस तरीके से ये पदाधिकारी बनाए गए थे, महासचिवों को 40 जिलों की जिम्मेदारी दी गई, उपाध्यक्षों को 10 संभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक जंबो लिस्ट आई थी और उस जंबो लिस्ट के बाद अब उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो देर सवेर तो मिलनी थी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जिलेवार और संभागवार उपाध्यक्षों को संभागों का प्रभारी बनाया गया और वहीं पर यहाँ देखिए जिलों का प्रभारी बनाया गया है महासचिवों को। सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर दिखी। अजमेर में जो प्रभारी लगे गए हैं सुदर्शन रावत, वो ग्रामीण के, अजमेर का बड़ा हिस्सा ग्रामीण बेल्ट है, तो ब्यावर का बेल्ट हो या आसपास का अजमेर ग्रामीण का इलाका, रावत बहुत बड़ी तादाद में है, तो एक पैमाना रखा गया। संभागों के भी हमने देखे हैं कि जो जिस इलाके के नजदीक है का जिम्मा दिया गया है, उदयपुर रतन देवासी को वहां का बनाया गया है जो कि उपाध्यक्ष है। मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र है जोधपुर, पूर्व सांसद गंगानगर हनुमानगढ़ के भरतराम मेघवाल, और बड़ी तादाद में पूरे जोधपुर डिवीजन में ही बड़ी संख्या में मेघवाल कम्युनिटी, बहुत ऐसी कम्युनिटी की बात करें तो मेघवाल कम्युनिटी बड़ी तादाद में यहाँ पर रहती है, तो उसको यहाँ पर उसके मद्देनजर ये जिम्मा दिया गया है। और इसी तरह पर देखना होगा नसीम अख्तर इंसाफ, सीकर जो नया संभाग बना है, अध्यक्ष है, वहां जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी तादाद में सीकर के संभाग में ही मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अच्छी संख्या में है, तो नसीम अख्तर इंसाफ जो कि अजमेर की नेता है उनको वहां भेजा गया। सिंह डोटासरा का गृह क्षेत्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नसीम पर भरोसा जताया है। पर एक कहा जाए तो अपना जो का परंपरागत वोट बैंक है उसके ऊपर फोकस किया गया है। ऐसे कहा जाए तो यहाँ बाड़मेर में और जो इलाके हैं उनमें अलग अलग प्रभारी लगाए गए हैं, उनके अलग सूची बहुत ही महत्वपूर्ण और कहा जा सकता है इसके अंदर काफी बिल्कुल। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और इस लिस्ट को डिकोड करने के लिए।